Secondary School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Mr. Pokhra, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. ये सुबह सूचना मिली थी कि कचहरी के अंदर एक हाईराइज बिल्डिंग है, 9 मंजिला है. वहाँ से उसके नीचे एक डेड बॉडी मिली थी. तो जब मौके पे हम लोग गए तो पता चला कि एक प्रशांत सिंह करके हैं जो पेशे से अधिवक्ता रहे हैं, और उनकी बॉडी थी. पूरा जब जांच पड़ताल शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज भी मिले जिसमें वो पैदल जाते हुए दिख रहे हैं. उनके साथ में जो चपरासी है, दरवाज़ा भी खुला है, और जहाँ उनकी बॉडी गिरी है, ऊपर से मंजिल से गिरी है, वहाँ भी एक आदमी खड़ा है. पूरा जो प्रकरण है, पूरा तथ्यों को देख के अभी तक तो ये लग रहा है कि उनके द्वारा आत्महत्या किया गया है, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है. फिर भी हम लोग इसमें आगे की जांच और कर रहे हैं. मोबाइल फ़ोन भी मिले, उनके जेब में पैसे थे, वहाँ ऊपर उन्होंने चप्पल भी उतार दिया था. तो सारी चीज़ों की जांच चल रही है. प्रथम दृष्टया सुसाइड के साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन गंभीरता से इसकी छानबीन की जा रही है. जो भी इसके पीछे होगा उसको. सर, एक बड़ा सवाल ये है कि कचहरी परिसर में इतने कैमरे लगे हैं लेकिन कोई कैमरा काम नहीं. नहीं, आपका कहना बिल्कुल गलत है. आपने शायद, आपको पता नहीं होगा, सारे कैमरे काम कर रहे हैं और कैमरे से ही फुटेज हम लोगों ने लिया. सर, क्या लगा, पारिवारिक कलह वजह हो सकती है? अब ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे. सर, अपना नाम और परिचय बता दें. सत्येंद्र सिंह नाम है. मैं सत्येंद्र जी, आप क्या लगते हैं मृतक? मैं पड़ोसी हूँ उनका. क्या नाम था उनका? उनका घर पे तो सोनू बोलते थे हम लोग जो है. ऐसे नाम क्या था उनका? उनका नाम प्रशांत था. ये बताइए क्या घटना हुई थी? देखिए, आज सुबह जो है अभी पुलिस वालों को देखा हम लोगों ने, तो हमें लगा कि कोई सस्ता मारपीट की घटना हो या किसी तरह की कोई घटना हुई होगी. अब उनसे पूछने के बाद जो है, बहुत स्पष्ट रूप से तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं जानकारी दी उन्होंने कि कहीं कचहरी पे जो है वो. इस तरह का स्वभाव था उनका, क्या लगता? स्वभाव तो उनका खैर बहुत अच्छा था, बहुत सरल स्वभाव था उनका जो है. तो विश्वास नहीं होता कि इस तरह का कोई व्यक्ति तो इस तरीके का काम. उनके पीछे कौन कौन है परिवार में? उनकी अभी एक छोटा एक बच्चा है, 5 साल 6 साल का, और उनकी पत्नी है. पिताजी और माता जी तो जो है गाँव में ही रहते हैं, जो है खबर कर दी है, हो सकता आ रहे होंगे वो लोग जो है. पिताजी क्या कोई सरकारी विभाग में? पिताजी इनके जो है रेलवे पुलिस में थे, जो है अच्छी पोस्ट से रिटायर है. घर के सामने रहते, क्या किसी बात का तनाव ऐसा कुछ आप लोगों को? नहीं, ऐसा कोई तनाव, ऐसा कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बहुत ही सरल व्यक्ति थे और बहुत अच्छा परिवार है भाई. आप देखिए जिस तरीके से लोग इकट्ठा हैं, अगर तनाव वाला व्यक्ति होता तो बाहर भी तनाव देता है, ऐसा कुछ भी नहीं था. सर, क्या करते थे, पैसा क्या? देखिए, मैं भी बाहर रहता हूँ, मैं इंदौर रहता हूँ, और अभी मैं कल रात को ही आया हूँ. अभी क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, आई डोंट नो, क्योंकि मैं भी बाहर से अभी आया ही हूँ, और चूंकि बचपन यहीं रहा है, यहीं पैदा हुआ हूँ, साथ में खेला बड़ा है. अब ये कि प्रोफेशनली वो अभी क्या करते थे, 15 साल से मैं भी बाहर हूँ, तो मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं है जो है. Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी. अभी जानकारी मिली सुबह सुबह 9 बजे की एक अधिवक्ता है, प्रशांत कुमार सिंह नाम है इनका. इनकी नीचे छत से ऊपर काफ़ी ऊंचाई के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो निर्माण हो रही थी उसके नीचे गिरे, तो वहाँ पे लोग थे, लेबर जो काम करते, देखा उन्होंने. फिर उन्होंने न्यायालय के अधिकारियों को, मजिस्ट्रेट को सूचना दी, हम लोग जानकारी मिली, आए उनको तत्काल ले गए अस्पताल PHU, जहाँ डेथ हो गई उनके. सर, क्या मामला समझ तो में अभी जो जानकारी उसी संबंध में परिवार से भी जानकारियाँ की गई. उनके परिवार में यहाँ पे मिसेस और एक बेटा था, वो बेटा छुट्टी थी उसकी, स्कूल नहीं था, उसको टहलाने को लेकर के ले गए थे यूपी कॉलेज ग्राउंड में, उसे जो है वहाँ पे उतारे हैं और अपने एकदम टहले नहीं हैं. और उसके बाद उन्होंने तुरंत ही कहा कि हम जा रहे हैं. वो लड़का थोड़ी देर वहाँ वेट किया, काफ़ी देर तक वेट किया, फिर पड़ोस के एक परिचित थे जिनके साथ घर पर आ गया. उनकी मोटरसाइकिल वहाँ पर कैंपस के बाहर मिली है. CCTV फुटेज में वो जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अकेले ही उस कैंपस में, और ऊपर छत पर उनके चप्पल और जैकेट मिला है, और वो CCTV फुटेज में भी वही चीज़ें हैं. अब वो बैकग्राउंड में क्या परिस्थितियां हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना होगा, जानकारी करनी पड़ेगी पूरी बातें, जिस संबंध में कार्रवाई की जाए. सर, घर वाले कुछ बता पाए इस बारे में? अभी कुछ चीज़ें जानकारी में आई, इस पर काम चल रहा है. सर, क्या क्या लग रहा है सर, प्रथम दृष्टया अब हम उसको पंचायत में नहीं, अभी तो वो अकेले ही जाते दिखाई पड़ रहे हैं कचहरी में, और अकेले ही जाते उनको नीचे बैठे कर्मचारियों ने देखा भी है, और छत से गिरे हैं तो तुरंत ही खबर आ, तो वहाँ तो कोई साथ था नहीं. और ऐसा क्यों किया,
अभी थोड़ी सी जानकारी आई कि एक दो दिन से थोड़ा सा वो फेडअप थे, अपनी बातों से थे जानकारी। सर घटना कब 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 की है? ये 9 बजे जो है वो ऊन नीचे गिरे, वहाँ पे जब जानकारी जो कर्मचारी वहाँ बताए हैं कि 9 बज रहा। कोई सुसाइड नोट्स वगैरह सर? नहीं अभी वो चीज़ नहीं मिली, मोबाइल वगैरह उनका घर पे ही छोड़ गए थे, मोबाइल जो अनयूजुअल था लेके जाते थे, अगर टहलने जाते थे आज घर पे ही छोड़ा। थैंक यू सर। ठीक है सर।